Doctor. ए भाई, इधर से नहीं। मगर वो मेरे पति है। ये कैदियों के जाने का रास्ता है, आप उधर से जाइए। अरे आरती बहन, आप कहाँ थी? मैं तो आप ही को देख रहा था। गुप्ता जी, अभी अभी नहीं लाए हैं, हथकड़ी डालकर इन्हें बचा लीजिए गुप्ता जी। आरती बहन, हिम्मत रखिए, ऐसा भी क्या है? सच सच बताइए, ये बच जाएंगे ना? मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मॉर्निंग सर। नमस्ते ठकराल साहब। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते साहब। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर्ड, ये चेहरा जिस पर इस वक्त मासूमियत और बेचारगी के सिवा कुछ नहीं है, ये चेहरा नहीं, एक नकाब है। वो नकाब जिसके पीछे एक संदिग्ध खूनी छिपा हुआ है। मिलोर्ड, कौन नहीं जानता कि मरने वाले श्री रामकृष्ण ओबेराय इस शहर के बहुत बड़े करोड़पति थे, जिनके पैसे पर ना जाने कितने स्कूल, कितने धर्मशाला और कितने विधवा आश्रम चल रहे हैं। ये मुलजिम अपने आप को एक संगीतकार कहता है। 18 दिसंबर की रात ये मुलजिम मिस्टर दीपक वर्मा अपने दिल में पैसे का लालच लिए हुए उनके घर पहुंचे, लेकिन मिस्टर ओबेराय को पहले पता चल चुका था कि वो एक म्यूजिक स्कूल खोलने के बहाने लाखों रुपया लेकर अपने लालच का कुआं भरना चाहते हैं। उन्होंने पैसा देने से इंकार कर दिया और मिस्टर दीपक वर्मा एक वैश्य बन गए। आधे घंटे के बाद जब वो वहां से निकले तो अपने पीछे मिस्टर ओबेराय की बजाय मिस्टर ओबेराय की लाश छोड़कर जा रहे थे। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। सरकारी वकील साहब मेरे मुवक्किल दीपक वर्मा पर वो इल्जाम लगा रहे हैं जो साबित नहीं कर सकते। जनाब आली, माना कि 18 दिसंबर को मेरा मुवक्किल दीपक वर्मा 8:30 बजे और 9 बजे के दरमियान मिस्टर ओबेराय के घर पर था, और यह भी माना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खून 9 बजे के आसपास हुआ है, लेकिन उससे कहीं यह तो साबित नहीं होता कि खून दीपक वर्मा ने किया है। सरकारी वकील कोई सबूत, कोई गवाह नहीं दे सके तो ये साबित कर सके। गवाह है योर ऑनर, एक ऐसा गवाह जो मुकदमे की खोई हुई इस कड़ी को जोड़ेगा। दीपक वर्मा के हाथों मिस्टर ओबेराय के हुए खून का चश्मदीद गवाह है मिस्टर प्रमोद वासवानी। जी हाँ, मेरा नाम प्रमोद वासवानी है। मिस्टर वासवानी, 18 दिसंबर की रात आपने अपने घर से मिस्टर ओबेराय के घर में जो कुछ देखा, क्या आप उसका बयान दे सकते हैं? जी हाँ, मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा था तो मैंने देखा कि ये साहब मिस्टर ओबेराय के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मिस्टर ओबेराय हाथ उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये तो मैं फासले की वजह से सुन नहीं सका। फिर खड़े हो गए, उन्होंने लंबा सा चाकू निकाला और फिर उन्होंने क्या किया? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, साफ साफ बताइए उन्होंने क्या किया। फिर उन्हें मिस्टर ओबेराय के सीने में वो चाकू घोंप दिया। ये झूठ है, ये सच है और सिर्फ सच है, ये झूठ है। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। इस कटघरे में आके हर मुजरिम हर खूनी ने चिल्ला चिल्ला कर यही कहा है कि वो निर्दोष है, बेकसूर है। मगर दीपक वर्मा, तुम कितना भी छुपाना चाहो, गवाही और सबूत की रोशनी में तुम्हारा जुर्म एक बदनुमा कोर की तरह इस अदालत के सामने आ चुका है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ वकील साहब, मैं बेकसूर। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। आप क्या चाहते हैं, मैं मुकदमा हार जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये कहने नहीं आया हूं। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि मैंने अपने मुवक्किल दीपक वर्मा को निर्दोष होते हुए भी ये जुर्म कबूल करने को तैयार करा लिया। अगर आप अदालत में फांसी के बजाय
उम्र कैद की दरखास्त करें। देखिए एक निर्दोष को फांसी के तख्ते पे पहुंचाकर मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप शहर का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, फ्रंट पेज पर इसी मुकदमे की चर्चा है। अगर इस आदमी को फांसी नहीं हुई तो मेरी वकालत का लोहा कौन मानेगा? देखिए आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आरती, जिंदगी की हर जंग में तुमने मेरा साथ दिया है। अब तुम्हारे आंसुओं को देखकर क्या मैं ये समझ लूं कि हम ये जंग हार गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आरती, इन बच्चों के लिए तुम ही सहारा हो। तुम अरुण जी, क्या हो? अरुण जी, बाबूजी। देखो बेटे, तुम्हारी मां ने हमारे लिए बहुत तकलीफें सही हैं, उन्हें तकलीफ मत देना। नहीं दूंगा बाबूजी। और कोमल तुम्हारी छोटी बहन है, उसका ख्याल रखना। रखूंगा बाबूजी। तुम पर हमारी बहुत उम्मीदें हैं बेटे। आरती बहन, गुप्ता जी क्या कहा ठकराल ने? बहुत जिद्दी आदमी है। मैंने उसे कहा कि अगर वो फांसी की सजा न दिलवाकर सिर्फ उम्र कैद करवा दे तो दीपक कोर्ट में कह देगा कि खून उसने किया। फिर भी क्या? फिर भी नहीं माना वो। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे कि ठुकराल के दिल में रहम आ जाए। नहीं तो उसने तो पूरा जाल फैला दिया है कि दीपक को फांसी की सजा ही मिले। वकालत एक शतरंज का खेल है मिस्टर ओबेरॉय, ये तो किसी किसी को आता है। मैं चाहूं तो दीपक वर्मा को छुड़वा भी सकता हूं, 5-10 साल की कैद भी करवा सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो उसे फांसी के फंदे पर लटका भी सकता हूं। इसी बात के तो 5 लाख रुपए मैंने दिए हैं आपको। जानता हूं वो जिंदा रहा तो तुम मर जाओगे, लेकिन उसे मौत और तुम्हें जिंदगी दिलवाएगा कौन? मैं ठकराल, 5 लाख रुपया इस काम के लिए कोई ज्यादा नहीं है मिस्टर रूपलाल ओबेरॉय। बेटे चल मेरे साथ। फिजूल की बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है कामिनी। तुम मेरी बीवी हो नहीं, मेरी बीवी थी। मैंने तलाक के सारे कागजात साइन करके भिजवा दिए हैं, और बच्चे के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम्हारे बगैर वो भी सुखी रहेगा और मैं भी। ए शांता, इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके उधर बच्चे को सुलाती क्यों नहीं? जी साहब। यहां कैसे? भीख मांगने आई हूं आपसे ठकराल साहब। मैं आप थोड़ी दया करेंगे ना मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। दुआ देंगे ठकराल साहब, बहुत दुआ देंगे। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे वकील के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे कहने पर मैं ये केस हार जाऊं?
नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन वो निर्दोष है, फिर भी आप उन्हें सजा दे दीजिए, दे दीजिए, लेकिन फांसी की कोशिश ना कीजिए। आप केस जीतना चाहते हैं ना, आप उन्हें उम्र कैद की सजा दे दीजिए, काल कोठरी में पड़े रहेंगे, लेकिन लेकिन जिंदा तो रहेंगे। मेरे बच्चे अनाथ तो नहीं होंगे, कितने ही साल क्यों ना हो, मैं उनकी राह में काट लूंगी। लेकिन ठकराल साहब, बाजी नहीं ठकराल साहब, बाजी नहीं, बाजी नहीं, बाजी नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहां से। नहीं ठकराल साहब, नहीं। उठो, देखो जो होना था सो हो गया, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जवान हो, बच्चे पालने हैं ना, अगर कोई कामकाज की जरूरत हो तो मैं दिलवा दूंगा, समझ गई ना? ना ना ना, अपने आप को बेसहारा मत समझो, तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा, समझ गई ना? मैं नीच कमीने, तूने मुझे हाथ लगाया, मैं तुझसे भीख मांगने आई थी अपने सुहाग की, और तू छी, लेकिन वो देख रहा है ठकराल, वो देख रहा है, एक दिन तेरे पाप तेरे सामने आएंगे, ये एक दुखी औरत की बददुआएं हैं, एक दिन ऐसा होगा ठकराल, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तू रहम की भीख मांगेगा, भीख, और कोई तुझ पे रहम नहीं खाएगा, कोई रहम नहीं खाएगा, ये मेरा श्राप है तुझको। हेलो, मैं उबराय बोल रहा हूँ। सुना है आपके पास दीपक वर्मा का वकील आया था, और आप फांसी के बदले उम्र कैद का सोच रहे हैं। मिस्टर उबराय, आपके भाई साहब के खूनी दीपक वर्मा को फांसी होगी, सिर्फ फांसी। तमाम सबूतों और गवाहों के बिना पर अदालत दीपक वर्मा को श्री रामकृष्ण ओबेरॉय के कत्ल के जुर्म में ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है। आपको किसी से मिलना है? कल सुबह दीपक वर्मा को फांसी हो रही है। वासवानी, इस गवाही के मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे चुका हूँ। झगड़ा क्यों करते हैं ओबेरॉय साहब? एक 50,000 रुपए की और जरूरत है। मिल जाएंगे। कब? कल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत जरूरी। वासवानी साहब, आप? तुम?
हुए? मैंने झूठी गवाही दी थी। वो खून दीपक वर्मा ने नहीं किया। नहीं किया था ना? नहीं किया था ना? वो निर्दोष है। निर्दोष है, मैं जानती हूँ। तो फिर किसने किया था? वो खून किसने? सुना आपने? आपने आपने सुन लिया? इसने क्या कहा? बहन जी आपने सुना? इसने क्या कहा? किसने कहा दीपक वर्मा निर्दोष है? दीपक वर्मा ने खून नहीं किया। आपने सुन लिया ना भाई साहब? आपने सुन लिया इसने क्या कहा? आप सबने सुन लिया ना? आप सब लोग पुलिस के सामने ये कहेंगे कि इसने मरने से पहले ऐसे कहा तो मेरे पति बच जाएंगे। मेरे पति बच जाएंगे। मेरे पति बच जाएंगे। आप फिक्र मत करो बहन जी, पुलिस से हम यही कहेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाके उनको बताती हूँ। हे भगवान, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर तो एक। जरा जल्दी कीजिए। गाड़ी खराब हो गई है, सेंट्रल जेल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, आप पैदल चले जाइए। 2 किलोमीटर? हे भगवान। को ले जाने के लिए कागजात तैयार हैं। आइए दस्तखत कर दीजिए। पुलिस में रिपोर्ट की, सारे हॉस्पिटल ने फोन किए, मगर तुम्हारी मां का अभी तक कोई पता नहीं चला। बेटे लगता है वो ये गम झेल नहीं सकी और वो भी दीपक के साथ भगवान के पास चली गई। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा बेटे, सच बताऊंगा। तुम्हारी उम्र में जिंदगी बच्चों के लिए खेल होती है, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी अब खेल नहीं है, एक जंग है। जंग अपने माँ बाप के बताए हुए उसूलों के साथ साथ तुम्हें ये जंग लड़नी पड़ेगी अरुण, लड़नी होगी ये जंग।
दीपक वर्मा का घर नीलाम हो गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, घर से बेघर हो गए, उसके जिम्मेदार तुम हो टकराल, तुम। मैं कैसे? आखिर पता लग ही गया ना कि दीपक वर्मा बेकसूर था। तुम भी कमाल करते हो गुप्ता, दीपक वर्मा बेकसूर था ये तो मैं शुरू से ही जानता था। हाँ, लेकिन मेरा काम था उसे फांसी दिलाना, मैंने दिला दी। शर्मानी चाहिए तुम्हें ठकराल, कानून की तलवार से कानून का ही खून किया तुमने, यीशु के घर को बर्बाद कर दिया तुमने, बताओ कहाँ जाएंगे ये बच्चे? गुप्ता जी, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुफ्त। सरकार ने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, भेज दीजिए कहीं। चलो ड्राइवर। इसे अपना ही घर समझो, लो खाना खा लो। बहुत भूख लगी है ना? हिंदू बेटा, इनका ख्याल रखिए। जरा अंदर आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ, आया। इनका ख्याल रखना। अजी आइए ना। आया ना। मैं कहती हूँ, आप इस घर को समझा क्या है, जिसे देखो उठा लाते हो। शांति, बच्चे भूखे हैं, अनाथ हो गए हैं बेचारे। मेरे बाप ने आपको ये मकान इसलिए रहने को नहीं दिया था कि इसे अनाथ आश्रम बना डालो। देखो जी, मैं कह देती हूँ, गली कूड़े का करकट इस घर में मत लाना। इन्हें रोटी खिलानी थी, खिला दी, बस हो गया। मुझसे ये जंजाल नहीं संभाला जाएगा, कह दो इनसे। चुप हो जाओ शांति, चुप हो जाओ। इंदू जी, कहाँ गए ये दोनों? वो लोग चले गए पापा। कहाँ? मालूम नहीं।
ये सब टाइप करवा लेना और कल ये पेपर्स कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं। जी सर। और वो ठकराल साहब ने जो केस जीता है उसकी पूरी फाइल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से मंगवा लेना। जी सर। सर आपसे एक बात पूछूं? आप खुद इतने बड़े वकील हैं, फिर ठकराल साहब की सारी फाइलें मंगवाकर आप क्यों पढ़ते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं कहीं आपसे कोई गलत बात कह गया हूं तो? नहीं, कोई बात नहीं। मैं ठकराल साहब के एहसानों के वजह से वकील बना हूं मनसुख। उनके हर दाव पेच, हर तरीके, हर चाल को अच्छी तरह समझना चाहता हूं, इसलिए कि एक मुकदमा वक्त की अदालत में परसों से चल रहा है और वो मुकदमा मुझे ठकराल साहब से जीतना है। कोमल, कोमल, अरे रामू, ये ब्रीफ के जरा कमरे में रख देना। जी साहब। ये फाइल केशव दे गया? अच्छा रामू, ये कोई मोटी फाइल दे गया केशव? जी बस यही फाइल दे गया है। बस यही? जी। कल जोहर साहब के केस की तारीख और ये। मिस्टर लॉयर अरुण वर्मा, आपको कोर्ट, केस, गवाह, सबूत और मिलोट के अलावा भी कुछ याद रहता है? हाँ, ये याद रहता है कि मेरी एक छोटी बहन है कोमल, बहुत अच्छी और प्यारी सी, बस जरा नाराज जल्दी हो जाती है, मना तो मन भी जाती है। जो याद रखने की बातें होती याद रहती हैं। ओ, तो इतनी अच्छी याददाश्त के लिए आपको इनाम मिलना चाहिए। ये लीजिए। ये क्या? शायद इसे देखकर आपको कुछ और भी याद आ जाए। अरे वाह, मगर ये अचानक किस लिए? ये इसलिए, एक तो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि कुछ जमाने पहले आप वकालत के अलावा और भी कुछ शौक रखते थे, और दूसरी बात ये कि आज आपका जन्मदिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था। मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया? मेरे भैया को हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंट। भैया, ये तोहफा मैंने तुम्हें तुम्हारे दुख याद दिलाने के लिए तो नहीं दिया था? नहीं कोमल, याद वो बातें दिलाई जाती हैं जो आदमी भूल गया, लेकिन ये वो दुख है जो पल भर के लिए ना कभी तुम भूली हो ना मैं। याद है मुझे सब कुछ, बहुत अच्छी तरह याद है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। व्हाट्स नेक्स्ट सर? आज शाम महाराजा बहरामपुर से आपका अपॉइंटमेंट है और 12 बजे लेडी दाराब शाह। ये लेडी दाराब शाह के केस की तारीख कब है? इसी महीने की 18 तारीख, और अभी आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर दिनेश माथुर। डॉक्टर माथुर, मैं आपकी पत्नी का केस अच्छी तरह समझ गया, बट आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकूंगा। ऐसा मत कहिए ठकराल साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं, और अगर आप नहीं। शहर का सबसे बड़ा वकील होने की प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं डॉक्टर माथुर। मेरे पास इतना काम है, इतने केसेस हैं, कि कोई भी नए केस के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी बीवी निर्दोष है ठकराल साहब, आप जितनी फीस चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर माथुर, मेरा एक ही जवाब है, आई एम सॉरी। श्रीकांत। यस सर। देखना दयाल साहब आए हैं क्या? हाँ जी वो आ गए। सेंड दयाल इनसाइड। ओके ठकराल साहब। दैट्स ओके। सर वक्त तो निकाला भी जा सकता था, और वो मुमा की फीस भी देने को तैयार था, फिर तुम नहीं समझोगे श्रीकांत,
उसकी बीवी डॉक्टर आशा माथुर पर मरीज को दवा में जहर देने का इल्जाम है। सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ हैं। इट्स टोटली अ फ्लॉप केस। और मुझे ना तो केस हारने का शौक है और ना ही केस हारने की आदत। क्या हुआ जीजा जी, आप वकील ठकराल से मिलने गए थे? गीता, सब जानते हैं कि आशा निर्दोष है, लेकिन केस इतना उलझा हुआ कि कोई वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं। गॉड नोज अब क्या होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था, कह रहा था बहुत अच्छा वकील है, क्यों ना उससे मिला जाए। मेरे पास आने से आपको एक ही जवाब मिल सकता है मिस गीता, अरुण वर्मा छोटे केस नहीं लेता। मगर अरुण वर्मा साहब, मेरी दीदी निर्दोष है और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर आप मेरी ये बात भी मान लीजिए कि अदालत में ये साबित नहीं किया जा सकता। ये केस जीतने की कोई तरकीब नहीं है। और जब जीतने की कोई तरकीब ना हो तो सच्चाई की तरफदारी करने से क्या फायदा, यही कहना चाहते हैं ना आप? मिस गीता श्रीवास्तव, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बात को समझ गई और आपको भी समझ गई मिस्टर अरुण वर्मा। अगर कोई मासूम, कोई बेकसूर सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है तो जाए, मगर आप अपने दामन पर एक मुकदमा हारने का दाग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आपको दिलचस्पी है तो सिर्फ अपनी जीत से, अपने नाम से और अपनी कामयाबी से। मिस गीता श्रीवास्तव, इस फाइल को देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि डॉक्टर आशा माथुर एक ऐसी बेईमान और करप्ट डॉक्टर है जिसने अपने मरीज को जानबूझकर जहर दिया, मगर आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर चिल्लाने को तैयार है कि आपकी बहन मासूम है, निर्दोष है। हाँ हाँ, वो निर्दोष है। सिर्फ इसलिए कि आपकी बहन है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? अगर है तो लाइए, मैं सुनने को तैयार हूं, लाइए। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन जाते हुए झूठे वो भी नहीं कह सकती कि आपसे मिलकर कोई खुशी हुई। गुड बाय मिस्टर अरुण वर्मा। डॉक्टर आशा माथुर, मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं आपका वकील हूँ। आपको मेरे हस्बैंड ने भेजा है? आपकी छोटी बहन मेरे पास आई थी। मिसेस माथुर, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स, सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, फिर भी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन डॉक्टर माथुर पूना गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। हेलो हेलो डॉक्टर आशा, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे नेस्ट्रोल 500 दे दो। डॉक्टर आशा, नेस्ट्रोल 500 तो हमारे स्टॉक में है ही नहीं। अच्छा, मेरे पास है, मैं भी लाती हूँ। लो दवाई पी लो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर कहाँ? अपने कैबिन में। अच्छा डॉक्टर, इनकी नब्ज बंद हो गई है। क्या कर दी? जी, मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब सच है। दवा में जहर किसने मिलाया, ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर माथुर, मैं इस वक्त सिर्फ इतना वादा कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। Thank you.
बेरा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को वही दवा पिलाई हो जो वो घर से लेकर आई थी। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। दामोदर ने हॉस्पिटल में वही जहरीली दवा पी जो टोनी ने आशा माथुर के बैग में प्लांट की। देखो टोनी बेटे, तुम्हारे डैडी डागा साहब और मैं बचपन के दोस्त हैं। इस वक्त तुम मुझे एक वकील मत समझो, बल्कि अपना अंकल समझकर बताओ कि वो दवा की शीशी के बदले तुमने जहर की शीशी क्यों और कैसे बदल ली? अंकल, दामोदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसका मुंह बंद रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। उस रात मैं एक इलेक्ट्रिशियन के बेस में हॉस्पिटल में मौजूद था। और वही दवा डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को पिला दी। अगर ये बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ जाकर आराम से सो जाओ। डॉक्टर माथुर, इस दवा में जो जहर था, क्या बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम के मुताबिक जितना जहर मरने वाले में पाया गया, उतना जहर पीने के बाद किसी के बचने का क्या चांस हो सकता है? बहुत कम, बहुत कम, ऑलमोस्ट निल। सुना है ठकराल ने यह केस लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि कोई वकील ये केस जीत ही नहीं सकता। मैं जीतूंगा। मैं लॉर्ड, तमाम सबूतों और सारी गवाहियों की रोशनी में यह बात साबित हो जाती है कि लेडी डॉक्टर आशा माथुर ने ही दामोदर प्रसाद का खून किया, और जहर की वो बोतल जो लेडी डॉक्टर आशा माथुर दामोदर प्रसाद के वास्ते लाई थी इस वक्त अदालत में मौजूद है, और साथ में सरकारी केमिकल रिपोर्ट भी जो ये बताती है कि इस बोतल में दवा नहीं खतरनाक जहर है। That's all, my lord. वकीले सफाई, मुलजिमा डॉक्टर आशा माथुर की तरफ से आप अपने गवाह और सफाई पेश कर सकते हैं। Yes, your honor. अरे my lord, ये सच है कि दामोदर प्रसाद पुलिस के लिए खास गवाह बनने वाला था और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, और यह भी सच है कि डॉक्टर आशा माथुर उस रात दवा लेकर हॉस्पिटल गई थी, और यह भी सच है कि इस दवा के पीने के एक मिनट बाद दामोदर प्रसाद मर गया। लेकिन इन तमाम बातों से यह साबित नहीं होता कि दामोदर प्रसाद की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आशा माथुर है। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है, और मैं कहता हूं ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। वकील सफाई भूल रहे हैं कि यही इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है वो ये साबित करती है कि इस बोतल में सिर्फ जहर है, उसके सिवा कुछ नहीं। इस बोतल में जहर है? जी हां, इसकी केमिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी माय लॉर्ड, जो कहती है इसमें जहर। लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं इस केमिकल रिपोर्ट को झुठलाता हूं, इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जहर नहीं है, सिर्फ दवा जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती। कोई सबूत तो होगा आपके पास मिस्टर वर्मा, इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है? जी हां, सबूत और गवाह दोनों मैं हूं, सिर्फ मैं। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट। ये दवा है या जहर, इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता? थैंक यू मिस्टर रावल।
अदालत समझती है कि ये बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर प्रसाद का खून किया है और प्रोसिक्यूशन की पेश की हुई केमिकल रिपोर्ट के झूठे होने की गुंजाइश है, इसलिए ये अदालत डॉक्टर आशा माथुर को बाइज्जत रिहा करती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर वर्मा, बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर वर्मा। कांग्रेचुलेशंस वर्मा जी। सब कैसे हैं? ठीक है, अभी तक तो बेहोश है लेकिन खतरे से बाहर है। जहर बहुत फैल गया था, थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आशा, मैं तो कहूंगा कि अरुण साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने। लेकिन लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक केस जीतने के लिए? नहीं, उन्हें यकीन था कि आशा निर्दोष है और उन्होंने कहा था कि निर्दोष को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकते। ये कुछ अलग ही आदमी है। मैं कह रहा हूं उसमें जहर था। जहर था तो वो पी कैसे गया? अरे जहर था या नहीं, हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी ना। नो प्रॉब्लम, आप पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता डागा साहब। अंकल, अखबार वालों ने अरुण वर्मा की बहुत तारीफ की है। अखबार वालों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। अरे ऐसे केस तो मैंने चुटकी में हल किए हुए हैं। और फिर इस केस में कोई खास ऐसी बात भी तो नहीं जो पेपर वाले इतना शोर मचाए। यस हेलो, ठकराल साहब है? होल्ड ऑन प्लीज। ठकराल, ऑफिस तुम्हारे लिए फोन है। हेलो सर, वो विक्की साहब 5,000 रुपए मांग रहे हैं। दे दो। मगर सर, पिछले हफ्ते तो वो 10,000 रुपए ले गए थे। मैंने कहा ना शर्मा जी कि वो मेरा बेटा है, जो मांगे दे दिया करो और बोर मत किया करो। सर शर्मा जी, मेरे पास उसके लिए पैसा है, वक्त नहीं। सुना है विक्की आजकल कॉलेज में बड़े हंगामे कर रहा है। बेटा किसका है? कैसे मूव करता है ना? मेरी होने वाली बीवी और नौकरी? हरगिज नहीं। बीवी बनो तब ना, अभी तो तुम्हें कॉलेज कंप्लीट करने में ही 2 साल बाकी हैं। अच्छा बाबा, कर लेना नौकरी, मगर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ, कानूनी या गैर कानूनी। ठीक है। ए यू, क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? हाय प्रोफेसर, क्लासरूम एक मंदिर है, बदमाशों का अड्डा नहीं। तुम्हारी शिकायत अभी प्रिंसिपल से करता हूं। विकी से दुश्मनी शरीफ आदमी नहीं किया करते प्रोफेसर, क्योंकि विकी जीडी ठकराल का बेटा है और जीडी ठकराल को सारा शहर जानता है। सर, ये न्यूज़पेपर देखा आपने? बड़ी हेडलाइन में नाम छपा है आपका। ठकराल साहब तो कहते थे कि ये केस कोई जीत ही नहीं सकता, अब बात करनी चाहिए उनसे।
वो दिन भी आएगा मनसुख भाई, वो दिन भी आएगा जब मैं ठकराल साहब से बात करूंगा। सर वो डॉक्टर माथुर का फोन आया था आपके लिए, घर पे बुलाना चाहते हैं आपको, और वो गीता जी ने भी फोन किया था। ओके। मीम साहब नीचे कोई अरुण साहब करके आया है। क्या उन्हें नीचे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। साहब मीम साहब अभी तैयार होके आता है, आप बैठिए। उठिए मत, उठिए मत अरुण साहब, उठिए मत। What is this? हुजूर, आवाज के बिना साज कुछ अधूरा सा लगता है। देखिए सर, मैं ये तालियां साज के लिए थी और अब तालियां आवाज के लिए होंगी। Thank you.
हारून साहब, व्हाट इज दिस? आप इस तरह गुमसुम अकेले खड़े हैं और आपके हाथ में गिलास भी नहीं। व्हाट इज दिस? वेट अप, व्हिस्की। नो व्हिस्की फॉर मी प्लीज, थैंक यू। देखिए, आप शुरू से हमारे साथ ज्यादती करते हैं। क्यों आशा, आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और आप अपनी फीस के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। व्हाट इज दिस? राइट राइट, आई एग्री। माथुर साहब, आप मुझे इस केस की फीस देना चाहते हैं? अरे फीस, आपके लिए अगर हमारा सब कुछ बिक भी जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। भगवान ना करे आप पर ऐसा वक्त आए। वो बदनसीब और होते हैं जिनका सब कुछ बिक जाता है माथुर साहब। लेकिन हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। अब कहीं आपको चाहिए क्या? गाड़ी, बंगला, ब्लैंक चेक, व्हाट एवर यू वांट। माथुर साहब, आप मुझे ये पियानो दे दीजिए प्लीज। क्या ये पियानो? अरे व्हाट इज दिस? ये तो पुराना सा मामूली सा पियानो है। ये पुराना तो है मगर मेरे लिए मामूली नहीं है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? ये वो साज है जिसके सीने में सुरों के साथ साथ कई गीत भी छुपे हैं। आप मुझे पियानो देंगे ना? व्हाट इज दिस? आपके घर पहुंचने से पहले ये पियानो आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये आपकी फीस नहीं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर, थैंक यू। गीता, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? जिस तरह लोग एक दूसरे की आवाज सुनते ही पहचान लेते हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो किसी की खामोशी सुनी और पहचानी जा सकती। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम बहुत अजीब इंसान हो। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम जैसे हो वैसे क्यों हो, लेकिन जानना जरूर चाहोगे। मेरे बारे में जानने के काबिल कोई बात ही नहीं है। या नहीं है ये फैसला अगर मैं करूं तो आपको एतराज होगा वकील साहब? अरे अरे चलो ठीक है, सारे फैसले तुम्हारे हाथ। तो फिर मेरा पहला फैसला, अगले संडे हमारा ग्रुप मनोरी बीच जा रहा है और आप आएंगे, जरूर आएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे गीता, thank you।
क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ गहरी सोच में थी? जी नहीं, वैसे ही। आप आ गए? मैं आ गया। आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। चलिए अंदर रेस्टोरेंट बैठते हैं। बियर तो खत्म हो गई यार। अबे मरता क्यों है, अभी पिलाते हैं। चल चल। हाँ तो आपने बताया नहीं वहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही थी? कहा ना, कुछ नहीं सोच रही थी। दरअसल मुझे ड्रीम्स देखने की आदत है। हाँ तो ये ड्रीम देखने की आदत तुम्हें कब से? 6-7 साल की उम्र से। एक्चुअली तब हम लोग लंदन चले गए थे और कॉलेज तक मैं वहीं पढ़ी। दरअसल मुझे म्यूजिक एंड डांस का बहुत शौक है। रियली? हाँ रियली। किस किस्म के शौक करती थी? हर किस्म के। सच पूछो तो हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य में जो रस है ना, वो किसी में भी नहीं। और हिंदुस्तानी सभ्यता की तो चमक ही अलग। गीता जानती हो इस फूल को क्या कहते हैं? गीता, मैं सोच रहा था कि एक तुम हो जो सारी जिंदगी इस मुल्क से बाहर रही मगर फिर भी अपने मुल्क की तमीज और तहजीब की इज्जत करती हो, और एक ये है जो शायद सारी जिंदगी यहीं रहे मगर फिर भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, अंग्रेज की छठी औलाद समझते हैं। असल में गलती इनके माँ बाप की होती है। अगर ऐसे बच्चों की बचपन से पिटाई की होती तो ये कभी नहीं बिगड़ते। चंगबन, हाय कोमल। हाय। हाय चीना। तुम्हारे भैया अरुण वर्मा का आज फिर अखबार में फोटो छपा है। क्या अरुण वर्मा तुम्हारा सगा भाई है? हाँ। हाउ लकी यू आर। विकी तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो विकी, मैं हिंदू। बोलो हिंदू। मैंने कितनी दफा तुम्हें फोन किया, घर पर भी। नहीं, बिजी था मैं जरा। ऐसा करते हैं, संडे को मिलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कम ऑन यार इंदु, बोर मत करो प्लीज। विकी प्लीज। हाँ विकी। तुम कैसे भी करके। अरुण की बहन कोमल। हेलो हेलो विकी, तुम सुन रही हो? विकी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो आर यू देयर? हेलो हेलो हेलो। क्या मैं एक फूल की तरह खूबसूरत लड़की को एक लड़की की तरह खूबसूरत फूल दे सकता हूँ? थैंक यू। कोमल, तुम शायद मुझे नहीं जानती लेकिन मैं जानती हूँ। आपका नाम विकी है, बहुत अच्छा डांस करते हैं आप। भाई वाह, इस तारीफ का जवाब मैं एक और फूल से दूं तो ले लूं। थैंक यू। कोमल, अच्छा डांस तो कोई भी कर लेता है मगर उसे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है। मुझे एक डांस पार्टनर की तलाश थी जो ग्रेसफुल हो, अच्छी डांसर हो, खूबसूरत हो, और वो तुम। ये फूल हमारी पार्टनरशिप के लिए, ले लीजिए। थैंक यू, लेकिन मैं इतना अच्छा डांस कहाँ करती हूँ जितना आप। आप तो अरे सीख जाओगी, मैं सिखा दूंगा। Really? नो प्रॉब्लम। हम लोग रोज 6 पीरियड के बाद असेंबली हॉल में रिहर्सल करते हैं, कल से तुम वहां आ रही हो। ओके हा? ये फूल हमारी अपॉइंटमेंट के लिए, ले लीजिए। थैंक यू। और ये फूल उस दिन के लिए जब हमारी ये पार्टनरशिप गहरी दोस्ती में बदल जाएगी। बाय पार्टनर। मान गए गुरु। ये लड़की तो अपने चक्कर में आ जाएगी और फिर मैं मिस्टर अरुण वर्मा को बताऊंगा कि मेरी इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है। अरे भाई अरुण। हेलो गेरवाल साहब। हमें तुमसे बहुत शिकायत है। मुझसे? कहिए। आओ भाई, हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट ने कई बार ये कोशिश की है कभी कभार कोई मुकदमा तो तुम सरकार की तरफ से लड़ो, मगर एक तुम हो कि तुम्हें सरकारी वकील बनने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। गेरवाल साहब, मैं वकील बनाऊं लोगों को बचाने की,
उन्हें सजा दिलवाने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है भाई, तुमसे बहस में तो कोई जीत सकता नहीं। चलिए साहब। अरे अरे जरा हमारे साथ भी तो बैठो, आओ। अरे ठकराल, इस नौजवान से तो मिले हो तुम, ये तुम्हारे मैदान का खिलाड़ी है अरुण वर्मा। अरुण वर्मा, हेलो, नाम तो सुना हुआ है, लगता है कि आपको कहीं देखा भी है। जिस वकील को आपने डॉक्टर आशा माथुर का मुकदमा लड़ते देखा था वो मैं था। ओह आई सी, काफी इंटरेस्टिंग केस था। दरअसल बात यह है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे तो सब याद है ठकराल साहब। हाँ भाई, ठकराल द ग्रेट को कौन भूल सकता है। क्या, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता। आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं। खन्ना साहब, आपने तो चाल चली ही नहीं। क्या चाल चलाऊं ठकराल साहब, लगता है दूसरी बाजी भी आप ही जीत गए। माफ कीजिए खन्ना साहब, ठकराल साहब की पोजीशन मजबूत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ये बात है, लीजिए मैं हट जाता हूँ, आप ही आ जाइए। इजाजत है। जरूर लीजिए। दो वकीलों के दिमाग टकरा रहे हैं, देखें इस खेल में कौन क्या चाल चलता है। अरे नहीं गरेवाल साहब, ये खेल बराबर का नहीं। मिस्टर अरुण वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्जे में है, इन बेचारों के पास चाल चलने की जगह ही कहां है। ठहराल साहब, जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है और वही वो मार खाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी चाल चली। मगर जो खिलाड़ी अच्छी पोजीशन में हो वो किसी एक खाने की हिफाजत तो किसी वक्त भी कर सकता है। अरुण वर्मा साहब जरूर कर सकता है, लेकिन उस खाने को बचाने के लिए उसे अपने थोड़ी सी ताकत दूसरी तरफ लानी पड़ती है और इसी वजह से वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और वह जब कमजोर हो जाता है तो उसे हराया जा सकता है। देखिए इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बादशाह खुला छोड़ दिया, ये चेक एंड मेट। ठकराल साहब, ये बाजी तो आप हार गए। कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी बाजी थोड़े ही है। हाँ ये तो है। ठकराल साहब, अब ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स। बाय। आजकल के नौजवानों को कमजोर ना समझो ठकराल। इंटरेस्टिंग। भैया को अपॉइंटमेंट से याद रहेंगे तो सिर्फ अपने केसेस की, और डेट से याद रहेंगे तो सिर्फ अपने कोर्ट की, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। अरे भाई कल ही तय हुआ था कि आज 5:30 बजे पृथ्वी थिएटर जाएंगे, अब वो कल की बात आज कैसे भूल सकता है। जीजा जी, कल और आज के बीच में 24 घंटे होते हैं और आदमी चाहे तो एक बात को 24 बार भी भूल सकता है। भाई 6 तो बज गए। 6 अभी बजे नहीं और मैं आ गया। सॉरी डॉक्टर माथुर, सॉरी लेडीज, बस आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरुण जरा सुनो। जी। ये तस्वीर किन की है? क्यों? मैंने इन्हें कहीं देखा है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल यही शक्ल थी। हाँ आशा, पिछले साल जब डॉक्टर बनर्जी की जगह पे मैं थाना मेंटल असाइलम में था 1 महीने के लिए, वहीं मैंने इन्हें देखा था। 15 साल से वहां है, कौन है कहां से आई है कुछ नहीं बताती, बार बार कुछ बेतुकी बेजोड़ सी बातें करती रहती हैं कि कोई मुकदमा चल रहा है और ऐसा हुआ था डॉक्टर माथुर, और क्या कहती वो, और बार बार दो बच्चों के नाम दोहराती रहती है, कोई पिंकी अनु। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, वो मैं हूँ अनु और ये पिंकी। ओह गॉड डॉक्टर साहब, वो जो 15 बरस से उस पागल खाने में, वो हमारी माँ है।
वो हमारी माँ है डॉक्टर साहब, मुझे उसका पता चाहिए, कहाँ है वो जगह, मैं अभी मिलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अभी। आप लोग यहीं बैठिए, वो बस आती ही होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप सब लोग उसे एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी मिलेंगे। समझ गए अरुण, ख्याल रखना कि उनकी याद और उनकी सोच 15 साल पहले जहां रुक गई थी आज भी वही, वो आज भी यही समझती हैं कि उनका पति जेल में है, कि मुकदमा चल रहा है और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे पिंकी और अनु आज भी घर में अकेले हैं, इसलिए कोई ऐसी बात मत करना जिनसे उनको। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, हम देख लेंगे उन्हें, मिल लेंगे, लेकिन आने कहेंगे उन्हें। मिलने आए हैं मुझसे? जी हाँ। गुप्ता जी ने भेजा है आपको? जी, उन्होंने ही भेजा मुझको, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, ये लोग आपका ख्याल रखते हैं? हाँ हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे यही परेशानी रहती है, कई बार सोचा कि घर चली जाऊं, लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब हैं ना, बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कहते हैं कुछ दिन इधर ही रुक जाओ, कभी भी केस की तारीख पड़ सकती है, केस इसी शहर में आ गया है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। उफ, इस मुकदमे ने तो हमारे पूरे घर की जिंदगी, मगर मैं 2-1 दिन में चली जाऊंगी, हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं बस 2-1 दिन 2-1 दिन, क्या बताऊं वकील साहब, आधा दिन यहाँ मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुर्ता रहता है। अरे अरे बेचारी, कौन है ये? चुप हो, क्या हो गया है तुम्हें? होल्ड योरसेल्फ गीता, प्लीज इसे बाहर ले चलो, हॉस्पिटल है ना, किसी को देखने आई होगी, आप गुप्ता जी के साथ वकील हैं? जी, जी हाँ। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। आप क्या समझते हैं, सच बताइए, ये छूट जाएंगे ना? इस तरह क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या आपको लगता है कि नहीं, नहीं, वो कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा आपके पति को, वो निर्दोष है और निर्दोष को कौन सजा दे सकता है? ओफो, मैं तो समझ रही थी कि आप कहेंगे कि वो अच्छा, मैं चलू। माँ, अरुण, ये मेरी माँ है गीता, मेरी माँ, 15 बरस से इस पागलखाने में, मेरी मां, 15 बरस तक मैं यह भी नहीं जानता था कि यह जिंदा है या मर गई, और आज
पर आज उसे पाया तो इस हाल में। क्या कहूं, वो जिंदा है या मर गई? हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील ठकराल दी क्रेट से बात करना चाहता हूं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूं उसकी फिक्र मत करो, ये बताओ वो कहां है? जी वो साइन क्लब की मीटिंग में गए। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे ये हुक्म दिया कि आज मैं वकील होने के नाते अपनी राय पेश करूं कि कानून में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत होनी चाहिए कि नहीं। कुछ जज्बाती लोग कहते हैं कि सजाए मौत खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जज्बात हमेशा सच्चाई से दूर होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास रहा है। मैं हमेशा सजाए मौत का जबरदस्त तरफदार रहा हूं और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी वकालत के इस लंबे कैरियर में आज तक 75 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है। मैं आपसे इस शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब ने अपने बहुत से बड़े कारनामों को बहुत छोटा करके बताया है और यही है इनका बड़ापन। कौन कहता है कि ठकराल साहब ने सिर्फ 75 लोगों को फांसी दिलवाई है? गलत, बिल्कुल गलत। उनकी गिनती 75 से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हर एक आदमी के साथ कई लोग होते हैं फांसी के तख्ते पर। कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। ठकराल साहब ने 75 आदमियों को नहीं, 75 परिवारों को फांसी दिलवाई और यही है इनका बड़ापन, यही है। शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब बहुत बड़े दिल के आदमी, इन्होंने मुजरिम और निर्दोष को हमेशा एक आंख से देखा, कभी किसी में फर्क नहीं किया और जो गर्दन हाथ में आई उसे फांसी का फंदा पहनाए बिना वापस नहीं भेजा। और देख लीजिए, देख लीजिए, 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। मगर मेरी एक बात याद रखना ठकराल, एक बात, बेगुनाहों का खून पलटकर अपने कातिल के दामन पर आता है और वो खून तुमसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा ठकराल, और वो हिसाब भाई तुमसे लूंगा, भाई तुमसे लूंगा। जल्दी आओ रामू, इन तकियों पे ग्लव चढ़ा के ऊपर वाले कमरे में रख देना। अच्छा बेटा। और सुनो, सिरहाने पानी का जग भी रख देना। अच्छा अच्छा बेटा। हेलो, यस, कौन साहब बोल रहे हैं? अच्छा, तो हमारी आवाज भी नहीं पहचानी अभी तक? ओह विक्की। यस योर हाइनेस, क्या तुम कॉलेज नहीं आए और रिहर्सल पे भी नहीं आए डांस के? आई एम रियली सॉरी विक्की, लेकिन क्या ना मैं आजकल जरा परेशानी में हूँ। परेशान तो हम भी बहुत हैं कोमल, लेकिन तुम्हें हमारा ख्याल ही नहीं। मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है,
अच्छा विकी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके बाय। आइए। आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसे आप अपना ही घर समझिए, चलिए। हमारा घर? हमारा घर ऐसा कहाँ? हमारा तो बहुत छोटा सा घर है। वकील साहब, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे ना? जी हाँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कभी आप हमारे घर आएंगे तो देखेंगे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अरुण और कोमल। इतनी सी उम्र के बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते वकील साहब। किसी भी उम्र के बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, चलिए। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये रिश्ता ही ऐसा है। पर मैं यही सोचती रहती हूँ, कौन बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता देता होगा, कौन उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करता होगा। खेलकूद में बच्चे खाना पीना ही भूल जाते हैं, पता नहीं ठीक से खाना खाते हैं या नहीं। ये मेरी छोटी बहन कोमल। नमस्ते। अरे, मेरी बेटी का नाम भी कोमल है, उसी की बात कर रही थी। बड़ी जिद्दी है, अरुण फिर भी समझदार है, लेकिन आपकी कोमल तो बहुत सियानी लगती है। कोमल जी, इन्हें ऊपर ले जाओ। चलिए। हाँ चलो। अरे हाँ वकील साहब, आप मेरा एक काम कर देंगे? जी। आते वक्त बड़े डॉक्टर साहब ने मेरे जमा किए हुए पैसे मुझे दिए थे, आप ये किसी तरह मेरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, उन्हें शायद जरूरत होगी। और हाँ, उन्हें कह दीजिए माँ दो एक दिन में वापस आएगी, जरूर आएगी, कह दीजिए। हाँ अरुण। गीता, सुनी तुमने माँ की बातें? देखे तुमने माँ के सपने, उनकी उम्मीदें? आज तक मांग में सिंदूर लगाए जिंदा, जबकि मेरा निर्दोष बाप फांसी के तख्ते पर खत्म हो गया। उस ठकराल की वजह से आज तक हम मुसीबतें झेल रहे हैं। ठकराल? ठकराल साहब, उस फंक्शन में अरुण वर्मा ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। आपका सिर्फ एक इशारा चाहिए, अरुण वर्मा की लाश का पता नहीं चला। अंकल, आप कहें तो अरुण वर्मा को। नहीं बेटे, वकीलों की जंग अदालत में होती है। एक बार अरुण का केस मेरे सामने फंसने दो, फिर मैं उसे मजा चुकाता हूं। उसका इंतजाम भी हो जाएगा। वो कैसे? मैंने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है, जिस पर बरसों से गरीबों ने बस्ती बसाई हुई है, उस प्लॉट को खाली करवाना है। वो हो जाएगा, लेकिन इसका अरुण वर्मा के साथ क्या ताल्लुक? अरुण वर्मा उस बस्ती वालों का वकील है। आई सी, तो समझ लीजिए जागा साहब, आपका काम हो गया। ये पुलिस आई है, ये पुलिस वाला जागा है, ये लफड़ा वाला बाप। इससे पहले कि मेरे आदमी ये मकान और झोपड़े तोड़ना शुरू करें, अगर आप कोर्ट की तरफ से दिए गए ये जमीन खाली करवाने के ऑर्डर्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिस्टर अरुण वर्मा, आपने अपनी पहली मुलाकात में मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो वो देख नहीं पाता कि उसने कहीं किसी दूसरी जगह एक खाना खाली छोड़ दिया है। माफ करना भाइयों, अगर आपके ये बुद्धिमान वकील साहब चाहते तो मेरे ऑर्डर्स को रुकवाने के लिए कोर्ट से एक दूसरा ऑर्डर ले सकते थे, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है क्योंकि कोर्ट 3 दिन के लिए बंद है। सॉरी मिस्टर अरुण वर्मा, इस बार आपने खाना खाली छोड़ दिया। बात खाने की नहीं है ठकराल साहब,
इस करीब खाने की है। करीब के खाने में पांव मत रखो ठकराल, क्योंकि जब गरीब का दिल रो उठता है तो अपने होश खो बैठता है। तो फिर तुम्हारे जैसे 75 ठकरालों के लिए एक करीब काफी होता है, सिर्फ एक। ठकराल साहब, इस आदमी को जानते हैं आप? मंगल। और ये मुन्नू, मंगल का बेटा मुन्नू। मुन्नू बेटे, ये ठकराल अंकल हैं, बहुत बड़े वकील हैं। ये तुम लोगों के झोपड़े तोड़ने आए हैं। देखो बेटे, इसका जवाब तुम ही दे सकते हो। ये जो कोर्ट के पेपर्स हैं ना तुम्हारे हाथ में, जाओ और इन्हें जाकर दिखा दो। जा बेटे, शाबाश। ठकराल साहब, क्या है इस ऑर्डर में? जी हां, ये कोर्ट के ऑर्डर्स मैंने कल शाम को ही ले लिए थे। मैंने अपनी पहली मुलाकात में एक बात और भी कही, कि आइंदा ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा, और ये वादा भूल गए? चाहिए ठकराल साहब, आपकी कारें आपका इंतजार कर रही हैं। ठगा साहब चलिए। मगर कोर्ट ने तो हमें ऑर्डर दिया था। ठगा साहब, ये कानूनी बातें हैं, बाद में समझाऊंगा आपको, अभी कुछ नहीं हो सकता, चलिए चलिए ना। आओ विकी, आओ, वेलकम डार्लिंग। उस हरामजादे 2 टके के वकील ने भरी बस्ती में मेरे डैडी की इंसल्ट कर दी, और तुम दोस्त लोग खड़े मुंह ताकते रह गए। अरगेस नहीं, हमें तो तुम्हारे डैडी ने रोक लिया था विकी, वरना विकी के दुश्मन अक्सर घरों में नहीं अस्पतालों में पड़े मिलते हैं, और इस बार मिस्टर अरुण वर्मा साहब का भी अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ गीता, अरुण बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? वो बोरेवली टेलीफोन बूथ से। माथुर साहब कहाँ हैं? वो बाथरूम में हैं। उनसे कहना थोड़ी देर घर पे आ जाएं, माँ को समझाना था कि वो अरुण, अरुण की आंखों में पट्टी कैसे बांधी जाती है मिस्टर अरुण वर्मा, पहचान सकते हो कौन आदमी है? बता दो पुलिस स्टेशन जाकर ये कौन है, हम देख रहे हो ना? अकाल से दुश्मनी का यही जवाब है। अरुण, ये कौन सी आवाज है अरुण? ये क्या हो रहा है? चिंता जी, प्लीज जल्दी आइए ना, जरा देखिए तो क्या हो रहा है। एक दो साले को किसी अस्पताल के सामने। डॉक्टर साहब, मैं भैया के पास ही रहूंगी। व्हाट इज दिस कोमल, देखो बच्चों की तरह जिद नहीं करते, तुम्हारे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। ठकराल साहब ने ये फूल भेजे। थैंक यू। Cheers, Dagatha! What a grand party! In the honor of Mr. Thakral! जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें समझाने का यही एक तरीका था।
मुझे तुम्हारी मौत नहीं जिंदगी चाहिए ठकराल, ताकि मैं तुम्हारे हर किए का जवाब दे सकूं, और मेरा हर जवाब तुम्हारे सवाल के मुताबिक होगा। गुड नाइट। तूने डैडी को देखा तो नहीं? नहीं यार, मालूम नहीं कहां। कहां है डैडी? डैडी आपकी आवाज सुनाई दे रही मगर आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे उल्लू के पट्टे में यहां हूं। अंकल आप है कहां? अरे हराम दादा मैं अंदर हूं। अंदर कहां डैडी? अरे इस कपड़ के अंदर। कब डैडी? अंकल आप रुकिए, मैं चाबी लेकर आता हूं। अरे कुत्ते के बच्चों, जब तक तुम चाबी लेके आओगे मेरी अंदर जान निकल जाएगी। छोड़ यार चाबी, तोड़। डैडी बस्टर्ड। प्यार का इम्तिहान ले रहा हूँ। नहीं नहीं विकी, प्लीज डोंट विकी। बोलो तुम प्यार करती हो? बहुत बुरे हो तुम। Do you love me? विकी प्लीज स्टॉप, विकी मुझे डर लग रहा है, रोक दो प्लीज विकी। विकी कहाँ जा रहे हो? ब्रेक कर विकी। बोलो विकी। मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम नहीं कहती कि मुझसे प्यार करती हो। विकी मुझे डर लग रहा है, प्लीज रोक दो विकी, प्लीज रोक दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार, लेकिन बोलती क्यों नहीं? बहुत बुरे हो तुम। Welcome friends to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba? No! Samba? No! Rumba? No! Samba? No! Tequila? No! Tango? No! Charleston? No! Polka? No! No? No! So phir kya ho? One, two, one, two, three, four, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hey, bol baby bol. Bol bol bol. Hare bol baby bol. Bol bol bol. Mere sang dol. Hare duniya hai gol. Hare bol baby bol 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 baby bol. Zara mere sang dol, dekh duniya hai gol. Dil mein bas jaane de mujhko, dil ke sab darwaze khol.
street, the king of the beat. You see, rocking that beat from across the street. Beat street is a lesson in tune because I can't let the streets beat you. Rock and roll. तेरी कसम मेरी बाहें थाम ले रामू? हाँ साहब। आजी कहाँ हैं? जी वो ऊपर वाला कमरा में है। कोमल भी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ हैं? जी उनका भी फोन आया था कि वो देरी से आएंगी। अब बस, I'm tired, Vicky. All right. कोमल तुमसे मिलने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि true love क्या होता है। मुझे कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। Really? मगर तुम्हारे मिलने के बाद तो सच? You know. Hi, Vicky. तुम इस टेबल पे बैठी कैसे? मैं इस टेबल पर यहाँ इसलिए बैठी हूँ ताकि तुम किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद न कर सको। क्या था पैसे? वेटर, मैनेजर को बुलाओ। कोमल, ये मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है, अब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न करते। शट अप पैसे। मैं तुम्हें इसके वो लव लेटर दिखाऊंगी जो इस धोखेबाज ने मुझे लिखे थे। कोमल तुम पढ़ोगी तो तुमने अगर कोमल को भड़काने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझी? विकी, ले जाओ। कोमल, वो कोमल सुनो तो। मुझे नहीं बनना है पागल। तुम मुझे पागल करके जा रही हो? विकी समझ गया, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है कोमल, तुम्हें मेरे डैडी से मिलना होगा अभी इसी वक्त। तुम अरुण वर्मा की बहन हो? जी हाँ। तुम दोनों शादी करना चाहते हो? हाँ डैड, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोमल आओ छोड़ डैडी के। गॉड ब्लेस यू। Good, good, very good. Thank
गुड इवनिंग मिस्टर अरुण वर्मा। अकेले खेल रहे हैं आप? अच्छा है, अच्छा है। अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तो नहीं होता? मुझे तो कभी भी हारने का डर नहीं है ठकराल साहब। सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि अब आप ओछी हरकतों पर उतर आए। मतलब? आप जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करना, और वो भी अपनी बहन के जरिए। ठकराल! मैंने दुश्मनों की घटिया से घटिया हरकतें देखी हैं, मगर इतनी गिरी हुई नहीं। खैर, अब ये खेल तुम्हारे हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। सच्चाई से मुंह फेर लेना बेवकूफी है, और सच्चाई यही है कि मैं विकी से प्यार करती हूँ। कोमल वो एक नंबर का बदमाश है, गुंडा है, कमीना है। भैया, विकी को गाली देने का मतलब मुझे गाली देना है। कोमल! अरुण, ये क्या हो गया है तुम्हें? पूछो इससे क्या हुआ है, पूछो। तुमने अगर कोमल को मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, और जिस दिन मैंने यह फैसला किया उस दिन तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, ये याद रखना। अरुण वर्मा ने यह थप्पड़ तुम्हें नहीं, डीडी ठकराल के बेटे को मारा है। उसकी बहन तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो सकती है विकी? हो सकती है डैड। गुड, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा, मगर ऐसा हो जाए तो अरुण वर्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कोमल में अगर बचपना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी बच्चे बन जाओ। अरुण, तुम जरा समझ से काम लो, घर में मांझे हैं, उनके सामने कोई हंगामा हो तो ये बात ठीक नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि गीता उसे यहाँ ले आई, और उसे दो चार दिन यहीं रहने दो, हम लोग उसे समझाएंगे। हाँ समझाइए उसे, और ये भी समझाइए कि मैं अपने दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ, मगर जब अपने ही साथ छोड़ दे तो। किससे बात करनी है आपको? कोमल, मैं विकी बोल रहा हूँ। विकी, तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जब कोई किसी से प्यार करता है कोमल, तो उसे कहीं भी ढूंढ निकालता है। And I love you, कोमल। I love you। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जहर खा लूंगा। ऐसा मत कहो विकी, नहीं, I love you। तो फिर हमारे सामने एक ही रास्ता है, आज रात कहीं भाग चलते हैं, वहां कल ही शादी कर लेंगे। क्या? देखो मैं जैसा कहता हूं वैसा सुनो कोमल, प्लीज प्लीज, वरना कह दो कि तुम अपने भाई से डरती हो। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती, तो उनसे क्यों डरूं? That's my girl। लेकिन कल हमारी शादी हो जाएगी ना विकी? मैं आज रात 9:30 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तुम गेट पे रहना, ओके? आ जाना तुम। हाँ Thank you.
अच्छा गाते हैं दोनों। कुछ याद आ गया है, लेकिन अरुण बाबू इतना समझ लीजिए वो 15 साल बाद सो के उठी है। आप उनसे मिल सकते हैं, जाइए। मिल गए और तुम्हें अपने बच्चे वापस मिल गए।
मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। कैसे गुजारे होंगे तूने ये दिन? मैं तेरे लिए कुछ भी ना कर सकी। नहीं मां, नहीं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दिया हुआ हौसला ही तो था जिसने मुझे जिंदा रखा। मां, कितना अच्छा लगता है सुनने में। फिर से कहो मां। कोमल कहाँ है? अरे कोमल, अरे कोमल उसे तो पता ही नहीं है। वहाँ वो मैं माथुर साहब के घर पर है। तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आता हूँ कोमल को। उसे पता चले वो कितनी खुश होगी। माँ कोमल, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। विकी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, वो नाक तुम्हें भी डस लेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम विकी को उतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ उसे। ये खत मुझे विकी ने लिखे है कोमल। पिछले साल सिर्फ उसी की वजह से मुझे पूना जाना पड़ा एबॉर्शन के लिए। ये लो उसकी झूठी मोहब्बत भरे हुए खत। ये मुझे दे। वापस कर दो ये खत मुझे। कोमल, तुम इस नीच की बात को मत आना, ये सब इतनी चाल है। नहीं कोमल, तुम इसके साथ कहीं मत जाना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। नहीं विकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं कोमल, विकी पुलिस को फोन करना चाहिए। ये साहब गुप्ता जी हैं? जी हाँ गुप्ता जी, एक ही सहारा था बेटी का, वो भी चली गई। अरुण वर्मा जी, तुम वही अरुण हो? हाँ गुप्ता जी, मैं वही अरुण। एक दिन आप हमारे लिए ठकराल से लड़े थे, अब मैं आपके लिए ठकराल से लड़ूंगा। सच और झूठ की इस जंग में इस बार वो हारेगा। मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डैड, मुझे वहां उन दोनों लोगों ने देखा है। देखा है तो मैं उन्हें अदालत में देख लूंगा। तुम जीडी ठकराल के बेटे हो विक्रम, कोई मजाक नहीं। जस्ट रिलैक्स, ओके? ठकराल साहब, मुलाकात के वक्त पूरा हो गया। इंस्पेक्टर भोसले जी, ये मेरा बेटा है, जरा ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए।
हम एक दूसरे का ख्याल रखें। दुनिया ऐसे ही चलती है इंस्पेक्टर भोसले। सी यू। कौन साहब? गुड इवनिंग मिस्टर ठकराल। तुम यहां कैसे? यह बताने आया हूं कि इंदु गुप्ता के खूनी विक्रम ठकराल के खिलाफ सरकारी वकील की हैसियत से मुकदमा मैं लड़ने वाला हूं। तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है, लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए, ये सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओगे। मुझे भूलने की आदत नहीं है मिस्टर ठकराल, इसलिए तो सब कुछ याद है। याद है मुझे फांसी की सजा सुन के एक निर्दोष का घबराया हुआ चेहरा, अंधेरे घर के सन्नाटे में उसकी पत्नी की आवाज, मुझे सब याद है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बात कर रहा हूं उस दीपक वर्मा की, जो आपके बेरहमी के हाथों फांसी के तख्ते पर मर गया। उस आरती की, जो आपकी संगदली के कारण 15 बरस तक एक पागल खाने में जिंदा लाश की तरह रही। मैं उन्हें की बात कर रहा हूं। तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? मैं उन दोनों का बेटा हूं ठकराल साहब। जिंदगी बहुत अजीब है ठकराल साहब। शतरंज के मोहरे वही हैं, मगर बाजी पलट चुकी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपको एक मशवरा देना चाहता हूं मिस्टर ठकराल, बिल्कुल मुफ्त। अपने बेटे से कहिए अपने जुर्म का इकरार कर ले, उसे तो हर हाल में फांसी होनी है। कम से कम आप मेरे हाथों एक मुकदमा हारने की बेइज्जती से तो बच जाएंगे। गुड बाय मिस्टर ठकराल। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, यह मुकदमा कहानी एक गरीब घराने में पैदा हुई नेक और शरीफ लड़की इंदु गुप्ता की, जो आज जिंदा नहीं है। खून का यह मुकदमा भयानक जरूर है, लेकिन पेचीदा नहीं है। थोड़ी देर में आप जान लेंगे कि इंदु गुप्ता का खूनी कोई और नहीं, बल्कि मुलजिमों के कटघरे में खड़ा यह विक्रम ठकराल है। यह विक्रम ठकराल जिसने उस लड़की को इस लापरवाही से खत्म कर दिया जिस तरह सिगरेट पीकर कोई अपनी एड़ी के नीचे मसल देता और भूल जाता। माय लॉर्ड, मैं ये नहीं जानता कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है, और अगर कहीं जाता है, अगर आत्मा नाम की कोई चीज है, तो इंदु गुप्ता की आत्मा इस अदालत में मौजूद है, कानून के चौखट पर इंसाफ का इंतजार कर रही है। और मुझे यकीन है माय लॉर्ड, पूरा यकीन है कि वह यहां से मायूस नहीं लौटेगी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने नौजवान सरकारी वकील को उनकी जोशीली और जज्बाती तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर साथ ही कानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिला देना चाहता हूं कि अदालतों के फैसले जज्बात की धुन में नहीं बल्कि अक्ल की रोशनी में होते हैं। सरकारी वकील ने अपने जोशीले अंदाज में जो इल्जाम मेरे मुवक्किल विक्रम ठकराल के ऊपर लगाया है, उसका मैं क्या जवाब दूं? इसलिए कि विक्रम ठकराल इंदु गुप्ता नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं है। जानता है, क्योंकि मुकदमे की शुरुआत वकील सफाई के इस नुक्ते से शुरू हुई है कि विक्रम ठकराल और इंदु गुप्ता एक दूसरे से अजनबी थे। सबसे पहले मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह झूठ है, और मेरी पहली गवाह है मिस कोमल वर्मा। मिस कोमल वर्मा, इंदु गुप्ता जिसकी यह तस्वीर है,
इसे तुम जानती थी? मैं इंदु गुप्ता को जानती नहीं थी, लेकिन दो बार मिली हूँ। इंदु गुप्ता से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई? मैं विक्रम ठकराल के बहकावे में आकर उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई थी, और 16 जुलाई की रात को जब विक्रम ठकराल मुझे डॉक्टर माथुर के घर अपने साथ ले जाने के लिए आया, तो इंदु गुप्ता वहां पहुंच गई। उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उसके हाथ में एक खतों का पैकेट था, वो मुझे दिखाना चाहती थी, लेकिन लेकिन विक्रम हमारे बीच आ गया और उसने वो पैकेट छीनकर अपनी कोट की जेब में रख लिया। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? विक्रम ठकराल ने इंदु गुप्ता को जोर से धक्का देकर मुझसे दूर किया। इंदु गुप्ता मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रम, मैं घबराकर घर के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? एक ही मिनट में मैंने आशा, डॉक्टर आशा माथुर के चीखने की आवाज सुनी। मैं भागकर बाहर आई और मैंने देखा इंदु गुप्ता की लाश कंपाउंड में पड़ी है, और डॉक्टर माथुर और आशा उसके पास खड़े। मिस कोमल वर्मा, अब तुम जा सकती हो। एक मिनट, योर ऑनर, मैं मिस कोमल वर्मा से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर। ओ ये लो, ले लो, ले लो, आंसू पूछ लो, पूछ लो आंसू। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ बहुत सीधे साधे और आसान सवाल पूछना चाहता हूं, और तुम उनका एकदम सीधा साधा जवाब देना, ओके? बेटा, तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं? मेरी माँ है, पिता नहीं है। क्या तुम बता सकती हो बेटा कि तुम्हारे पिताजी कैसे और कहां गुजर गए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन सवालों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। यह मुकदमा किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है, इसलिए मिस कोमल से मुझे यह सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। आप यह सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। हां तो कोमल, तुम बताने वाली थी ना कि किन हालात में तुम्हारे पिताजी की मौत हुई? नहीं नहीं नहीं, किसी की तरफ मत देखो, आराम से मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, बोलो कैसे मौत हुई? उन्हें फांसी दी गई थी। फांसी? तुम्हारे पिताजी को फांसी दिलाने के लिए जिस वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा था, उसका नाम जानती हो? जी। तब तो यह भी जानती होगी कि विक्रम ठकराल उसी वकील का बेटा है। मैं ये पहले नहीं जानती थी, लेकिन बाद में जान गई। और जब तुमने जाना तो मन ही मन में फैसला किया कि एक ना एक दिन अपने बाप की मौत का बदला उस वकील या उसकी औलाद से लोगी, और उसी इंतकाम के शौक ने तुमसे विक्रम ठकराल के खिलाफ झूठी गवाही दी। भैया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील सफाई एक मासूम लड़की के आंसुओं से मुजरिम के हाथों पर लगे खून के ढब्बे धो नहीं सकेंगे। वो कोमल वर्मा की गवाही को झूठा साबित करने की धुन में ये भूल गए कि विक्रम ठकराल के जुर्म के दो गवाह और भी है। मेरी अगली गवाह है डॉक्टर आशा माथुर। जी हाँ, मैंने इसी को देखा था, यही चेहरा, यही था वो। मिलॉर्ड, ये वही है। मिसेस माथुर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जब आपने खूनी को देखा तो आप अपने गेट के पास खड़ी थी। जी। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक वो जगह जहां इंदु गुप्ता की लाश पड़ी थी, वहां से गेट जहां पर आप खड़ी थी, वो फासला करीबन 22 गज का था। जी हाँ। मिसेस माथुर, 22 गज का फासला और तूफानी रात, कम रोशनी, क्या आपको यकीन है कि आपने खूनी को अच्छी तरह से पहचान लिया हो? मैं मानती हूं कि ये मुश्किल है, मगर सच यही है कि मैंने इसी को देखा था। ये बताइए कि खूनी ने क्या पहन रखा था, उसके बदन पर कपड़े क्या थे? कोट और पैंट। कोट और पैंट, या सिर्फ कोट या सिर्फ पैंट? दोनों। कोट और पैंट दोनों? दोनों, हाँ हाँ दोनों। थैंक्स। मिसेस माथुर, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप अपने पति के साथ कहां गई थी
और कहां से वापस आ रही थी उस रात? जी हाँ, डॉक्टर दस्तूर से हमारा अपॉइंटमेंट था, हम दोनों वहीं से आ रहे थे। आप सच कह रही हैं कि आप डॉक्टर दस्तूर के पास ही गई थी? डॉक्टर दस्तूर आंखों के बहुत माने हुए डॉक्टर हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। शायद यही उनकी रिपोर्ट है। देखिए, क्या ये सही है? जी। मिसेस माथुर, आपकी आंखें कमजोर होने के बावजूद आपने इतने डिस्टेंस से खूनी को पहचान लिया, क्या ये भी सही है? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ। थैंक यू मिसेस माथुर, आपका जवाब ही मेरा सवाल था। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। जनाब आली, मैं मानता हूं कि डॉक्टर आशा माथुर की नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा है कि वकील सफाई की नजर भी कुछ कमजोर है। अगर वो इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े और देखे तो वो जान लेंगे कि डॉक्टर आशा माथुर की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नहीं। और 22 गज काफी दूर होते हैं, ये खुद वकील सफाई कह चुके हैं। योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल खूनी और इंसाफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है जिसने 22 गज तो क्या खूनी को 22 इंच से भी नजदीक से देखा है। यस माय लॉर्ड, ये लड़का, यही लड़का दीवार पर चढ़ के भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन यह भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने इसे बहुत करीब से देखा माय लॉर्ड, और मुझे किसी किस्म का धोखा हो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर माथुर, जब खूनी वहां से भाग गया उसके बाद आपने क्या किया? मैं उस जगह पे वापस लौट आया जहां पे लाश पड़ी थी। जाहिर है कि पुलिस के आने तक आप लाश के पास ही थे और आपने लाश को हाथ तक नहीं लगाया? जी नहीं, हाँ मैंने लाश को कोट से जरूर ढक दिया। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, आप कोट अपने घर के अंदर से लेकर आए थे क्या? जी नहीं, मैंने अपने कोट से ढका लाश को। ओह आई सी, तो उस रात आप कोट पहने हुए थे? जी हाँ बिल्कुल, यकीनन मैंने कोट पहना हुआ था। यानी कि आप कोट और पैंट दोनों पहने? बिना पैंट के मैं कोट नहीं पहना करता। तो आप कोट भी पहने हुए थे उस रात? What is this? बार बार वही पूछे जा रहे हैं, कोट पहना हुआ था, 100 बार कह चुका हूँ। I'm sorry to have bothered you, doctor. I'm sorry. आपकी बीवी ने अपने बयान में कहा है कि जब खूनी उनके सामने था तो आप नहीं थे, और जैसे ही आप आए तब तक खूनी भाग चुका था। यानी आपकी बीवी ने आपको और खूनी को एक साथ उस मुकाम पर नहीं देखा, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, इट्स करेक्ट, करेक्ट। और आपकी बीवी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि खूनी ने उस रात कोट पहना हुआ था। ये बार बार कोट कोट, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर माथुर कि यह भी तो हो सकता है कि गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद आप अपनी पत्नी की बजाय सीधे वहां पहुंचे जहां इंदु गुप्ता आपका इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि इंदु गुप्ता के साथ आपके कुछ नाजायज ताल्लुकात रहे हों और आज वो आपके घर पहुंच गई आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने उसकी मुंह मांगी रकम ना दी तो वो सारी बातें आपकी बीवी को बता देगी। आप मारे गुस्से के आग बबूला हो गए और उसी गुस्से में आकर आपने इंदु गुप्ता का खून कर दिया। इससे पहले कि आप कुछ सोच सके आपने देखा कि आपकी पत्नी गेट के पास पहुंच गई है। आंखों की कमजोरी, 22 गज का फासला और रात का अंधेरा, आपकी बीवी शायद आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई। उसने सिर्फ कोट और पेंट में आपको दूर से देखा, वो चीख पड़ी। मारे घबराहट के आपका पहला रिएक्शन यह हुआ कि आप गार्डन की तरफ भागे, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको ख्याल आया कि शायद आपकी बीवी ने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं। आप चक्कर लगाकर गैराज की तरफ से बीवी की तरफ आए और अपनी बीवी को धोखा देने के लिए दोबारा उसी तरफ भागे जिस तरफ बीवी ने खूनी को भागते हुए देखा था। स्टॉप इट! एक मिनट के बाद आप फिर वापस लौटे और अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि खूनी भाग निकला है। क्योंकि आपके कोट के ऊपर इंदु गुप्ता के खून के निशान थे, इसलिए आपने बड़ी चालाकी से वो कोट उतार कर इंदु गुप्ता की लाश के ऊपर डाल दिया। बाद में लोगों ने समझा कि शायद वो कोट के ऊपर निशान इंदु गुप्ता की लाश के ही हो। बकवास है, नॉनसेंस! क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस लड़के का खून मैंने किया था? मैं ये कहना नहीं चाहता, बल्कि मैं ये साबित करने वाला हूं कि ये खून आपने ही किया था। What is this? This is that. And that is
पॉसिबल डॉक्टर माथुर। माय लॉर्ड, इस कहानी में कमजोरी, अगर इंदुगुप्ता का खून वाकई डॉक्टर माथुर ने किया होता तो पुलिस को फोन ही क्यों करते? और अगर विक्रम डॉक्टर माथुर के घर गया नहीं था तो वो फोन करके ये कैसे बता सकते थे कि मिस्टर विक्रम उन्हें अशोका रोड पर मिलेगा और वो भी अपने सफेद जीप में? ये तो कोई खास बात नहीं है योर ऑनर। अशोका रोड विक्रम ठकराल के घर का रास्ता है, वो कई बार वहां से गुजरता है और उसी सफेद जीप में आता जाता है। खास बात तो यह है कि जब पुलिस ने विक्रम ठकराल को गिरफ्तार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे। 20 मिनट के अरसे में खून के दाग मिटाए भी जा सकते हैं, चाकू या कोट कहीं फेंके भी जा सकते हैं, कहीं छिपाए भी जा सकते हैं। मैं ये फिर कहता हूं योर ऑनर कि 16 जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था और ना ही उसके पास कोई चाकू था। मैं अदालत को और खास तौर से वकील सफाई को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, विक्रम ठकराल का छुपाया हुआ कोट और ये चाकू मिल चुका है। विक्रम के गुनाह सबूत बनकर अदालत के सामने मौजूद है। यह है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदुगुप्ता के जख्मों का खून पिया। इस चाकू के दस्ते पर विक्रम की उंगलियों के निशान की सूरत में विक्रम के जुर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी और जो जुर्म की दास्तान ये चाकू नहीं सुना सकता ये कोर्ट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। बेगुनाह खून के डब्बे पुकार पुकार के इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। विक्रम का ये कोर्ट अपने रोए रोए से विक्रम के जुर्म का इकरार करता है। मैं अदालत के सामने इंदुगुप्ता की जबान बन के इंसाफ को आवाज देता हूँ कि विक्रम ठकराल के गुनाहों का सबूत ये झूठ है, ये सच है। ये मेरा कोर्ट नहीं जज साहब, मैं कहता हूँ ये तुम्हारा कोर्ट है। मिलोर्ड, ये कोर्ट विक्रम का नहीं है। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोर्ट विक्रम का ही है। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस रंग का कोर्ट कभी मेरे पास था ही नहीं। तो फिर किस रंग का था? उसका कोर्ट सफेद रंग का था। शिट। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा था कि विक्रम ने कोर्ट पहना ही नहीं था। माय लॉर्ड, मिस्टर ठकराल ने ठीक ही कहा था, ये कोट और ये चाकू विक्रम का नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि उस रात विक्रम ने सफेद रंग का कोट पहना था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो कोट और चाकू तलाश कर सके। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन का वक्त देती है और उसी के साथ आज की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। कमाल कर दियो। सगराम जी साहब, बाहर का दरवाजा बंद कर दो। बरा साहब। सिगरेट? नो थैंक्स। चीयर्स। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम पर इतना मेहरबान क्यों? उसकी दो वजह। एक तो तुम्हारे डैडी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग एक दूसरे के काम में आए, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और दूसरी, तुम्हारे खिलाफ जो वकील है ना, अरुण वर्मा, उसकी और मेरी पुरानी खुनस है। उस साले ने 2 केस क्या जीत लिए, वो समझता है हम पुलिस वाले उसका गुलाम है। नॉनसेंस। सुनिए, यहां आइए। बोलो। आज शाम होने से पहले 50,000 कमाना चाहेंगे आप? 50,000? वो कैसे? मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ना होगा। घबराइए मत, पैसे पहले मिलेंगे, छोड़िएगा बाद में। ये लो 50,000। देर तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन 1 घंटे का मतलब 1 घंटा। मुझ पे विश्वास रखिए इंस्पेक्टर,
काम तो नहीं। थैंक्स यार टोली, तुम नहीं आते तो ये कोट और चाकू मुझे फांसी के तख्ते पहुंचा देते। डोंट वरी विक्की, मैं इन सारे सबूतों को खत्म कर दूंगा। और ये इंदू की चिट्ठियां भी चला देना। ओके ओके, अब जल्दी करो। थैंक्स यार। गुड इवनिंग। पुलिस स्टेशन वाले खुद आपको लेने आए हैं हुजूर। चलिए आपके लिए गाड़ी ये नहीं वो वो वो। हमें आपके पिताजी ठकराल साहब को यह समझाना है कि हमारा पुलिस स्टेशन ईमान खरीदने और बेचने की दुकान नहीं। ये रही पुलिस, वो रहा कानून, ये रहे आप सबूत के साथ। चल आप गाड़ी। चाकू इंस्पेक्टर, तेजाब में एक मिनट में गल जाएंगे। मैंने अपना काम कर दिया इंस्पेक्टर, अब तुम अपना काम करो। ये तुम क्या कह रहे हो टोनी? मैं ठीक कह रहा हूं अंकल। ठकराल साहब, हमें कुछ करना चाहिए। अगर ये खत कोर्ट तक पहुंच गए तो हमारे सारे सबूत, सारी गवाहियां गलत साबित हो जाएंगी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत विक्रम को नहीं बचा सकेगी सर। लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा वकील अपने बेटे को नहीं बचा सका? अरुण वर्मा जितना भी रुपया मांगे हम दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मानेगा सर। ठकराल साहब, कोई तरकीब, कोई रास्ता तो होगा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इस मुकदमे में कुछ नई पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को चंद दिनों की और मोहलत दी जाए। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन की मोहलत देती है, उसी के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। क्या कह रहे हो अरुण? मैं ठीक कह रहा हूं, यह पढ़ लो। तुम्हारी मां हमारे कब्जे में, और अगर उसे जिंदा वापस चाहते हो तो आज रात के 2 बजे विक्रम के सारे खत लेकर अकेले बुरीवली पार्क में आ जाओ। माय गॉड, मुझे 2 बजे से बहुत पहले यह पता लगाना कि मां कहां है। बहुत गड़बड़ कर दी उन्होंने, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। सुनता जा और हंसता जा। जीने का सीख तरीका साहिबा, और पीने का सीख तरीका। झूम ले, घूम ले, पीने की उतराई रे। झूम ले, जीने की उतराई रे। झूम ले, झूम ले, घूम ले, झूम ले, घूम ले, झूम ले, झूम ले, झूम ले,
देखो देखो मेरा बेटा कितना अच्छा डांस करता है। शराब ज्यादा पीजिए, उसको ऊपर भेजो। गुड इवनिंग टोनी साहब। गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। अरुण अरुण वो देखो। मां तुम अंदर के दरवाजे अपनी तरफ से बंद कर दो। अरुण मां तुम बाहर मत निकलना। Come on!
जुबान बंद रखने के लिए ये भी काफी है। ले चलो। कमीनो, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। कहीं नहीं। मजीद चली जाइए यहाँ से। हम तो सिर्फ सूद लेकर जा रहे थे, यहाँ तो असल भी मिल गया। ठकराल, छोड़ दे इस बच्ची को, मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम छोड़ देंगे इसे और आपको भी छोड़ देंगे, लेकिन पहले अदालत विक्रम ठकराल को छोड़ेगी। सूरज ना सितारों को
विक्रम ठकराल उर्फ विकी को खौफनाक कत्ल के जुर्म में जेर दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है। 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 सजाए मौत। इसी दुनिया में दोजख है, इसी दुनिया में जन्नत है। यहाँ होते हैं सबके फैसले, ये वो अदालत है।